वंदे गुरुपद्वंदम भक्तिबिंदुसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्त बिंदावनम् मनोहर वाचाकुवश्च कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधव बृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च स्नेहभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोत्परुण धैयम सदा परिभवग्नम विष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरुंचन तम शरण्यम भीतातिहम पनोतपाल भवद्दीपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पाद पल्लवनखचंदमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभवधू स्वदर्श पूर्णानुराग्र सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनैक पितरो कमलायताक्ष विशाम्बरोद्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषी तवाम भाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भजवीशनाथम बागीशजुष्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Amedhapurne kimikita sankuli, Shavavadurgandhi vinindhitantare, Kalevare mutrapurisha bhavite, Ramanti mura biramanti pandita. Amedhapurne krimikita sankule, Shavavadurgandhi vinindhitantare, Kalevare mutrapurisha bhavite, Ramanti mura biramanti pandita. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Paupat, Jagat Guruji ne bataye, tamam jagat apna ये जो मोटा शरीर है, छिलका है, इसका ही सेवा करने में व्यस्त है। जगत गुरु गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, तमाम जगत ये मोटा शरीर छिलका का सेवा करने में लगे हुए हैं, किसी का अक्ल नहीं है। जो दो दिन में शरीर छूट जाने वाला है, कुछ ही दिन में शरीर छूटना है, इतना भी विचार नहीं बैठता, इतना माया में डूबे हुए हैं। पापा जी कहते हैं, अमेधपूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरी कलेवरे मूत्र पुरुष पुरीष भावित रमंति मूड़ा बिड़मंति पंडिता। ये जो शरीर है, जितना सारे विष्ठा मूत्र रक्त मांस का एक थैला है, एक सैक है, अमेद्यपूर्ण, इसका अंदर मने स्पर्श करने योग्य नहीं है, इसना तो दुर्गंध दूषित चीज पड़ा हुआ है शरीर में। और ये शरीर माया का सेवा में इतना व्यस्त है कि अपना पास कोई समय नहीं है कि विचार करने बैठे क्या हो रहा है। अमितपूर्ण किमिकीट संकुले, कृमि कीट विष्ठा मूत्र इसका एक बोड़ा है, छैला थैला है, इसका अंदर में ये जो सूक्ष्म शरीर है, मोटा शरीर, उसका अंदर सूक्ष्म शरीर और आत्मा का विचार चल रहा है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, देखो लोग जो जो कामना करता है हरि तो दे ही देते हैं। श्रीमद् भागवत जी महापुराण भी आता है, तांग स्थानो कामानो हरिर् दद्यात् जानो जानो काम यते जनहा आराधितो जथई वैश तथा पुंसम फलोदय। ऐसे तो विचार ठीक ही है उपनिषद का अनुसार। उपनिषद में हम लोग चर्चा किया था कुछ दिन पहले, यही विचार बैठता है। इधर उपनिषद में आता है, नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, ये इसका बारे में बताए। विदधाति कामान माने जितना सारे जरूरत चीज है, मांगे हैं, ठाकुर जी पूर्ति करते हैं।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली ठाकुर जी पूर्ति करते हैं, तो वो है तो कुछ नहीं। अद्वैय ज्ञान तत्व भगवत तत्व, अद्वैय ज्ञान तत्व चोर के है क्या? एक ही ठाकुर भगवान, एक अहम बहु बहु स्वाम, ऐसा करके बहु हुआ है। जो काल बोल रहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एक का अंदर वैचित्र, वैचित्र का अंदर में एकता, ये ठाकुर जी सारे कमाव जीवों का जितना सारे काम पूर्ति करते रहते हैं। ये तो ठीक है भागवत में, तांग स्थानो कामानो हरिर दद्या जान जान कमायते जाना आराधितो आराधितो जथई वैश तथा पुंसन फलोदय, जैसा आराधना करे ऐसा फलोदय। जब भगवान कह रहे थे कि ये जो अन्य देव देवताओं को पूजा कांकांतः कर्मणाम सिद्धिं जयंत यह देवता, दूसरा देव देवी का अर्चन निषिद्ध है, फिर भी अगर किया जाए क्योंकि कामना वासना से भरपूर है, जीवों का अंदर में कामना वासना भरपूर है, अगर दूसरा देव देवी का अर्चन करे अपना संस्कार के अनुसार, वो अर्चन करे जिस देवता पसंद हो, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी देवता का आराधना करे, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी देवता का, कुछ भी करे, भगवान कह रहे हैं कि वो कोई भी देवता का पूजा करे कि हुआ मेरा ही पूजा हुआ, लेकिन अविधि पूर्वक, ये विधि नहीं है, ये रूल नहीं है। इसलिए जे यथा मंग प्रपद्यंत तंग तथैव भजाम्यहम्, इसमें कुछ विशेष है। ऐसा तो उपनिषद का नित्यो नित्यानम से तो ये तो बताया, जो विद्याधाति कामन सब सारे ठाकुर जी पूर्ति करते हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। और भागवत का ये श्लोक भी यही कह रहे कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन इधर जो सवाल आता है जी यथामंग प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरा चरण में प्रपत्ति स्वीकार करता है, और साधारण आदमी तो भगवान को भजन नहीं करते नहीं, जो माया में फंसे हुए मायावादी है जो भी है माया का भजन करते रहते हैं। जी यथा मांग प्रपत्ति स्वीकार नहीं किया तो जी यथा मांग प्रपद्यन्ते, कोई भी योग ज्ञान किसी भी प्रोसीड्योर में जाओ, कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग राजगुह योग, किसी भी योग में जाओ, योग मतलब भगवान के साथ नाता जोड़ के रखे, योग युक्त तो होके रहना, जो ज्ञान कर्म योग ज्ञान योग ध्यान किसी भी चैतन्य चरण सिद्धांत तो है शास्त्रों का, बिना भक्ति फल देते नारे, अगर थोड़ा सा भी भक्ति का मिलावट नहीं है तो फल देने में असमर्थ है, फल देना मुश्किल है। ऐसे तो आप कहो तो एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तो ठीक ही है, ये अलग बात है, जड़ दृष्टि है, लेकिन सेवा करने का बाद जो पॉजिटिव फल आकांक्षा रखते हैं जीव, ये टिट फॉर टैट और जैसे करनी ऐसे भरनी है तो है ही है, ये जड़ जगत का विचार है। लेकिन जो आदमी कुछ करते हैं उसका पॉजिटिव फल चाहते हैं, और उसमें क्या गलती है, उसका जो एक कर्म है उसमें क्या गलती है, पूर्व संस्कार वर्तमान ये जो एक्शन है इसमें क्या गलती है, क्यों कामयाबी नहीं मिली, ये सब जो लफड़ा है इसमें भगवान में भी अविश्वास आ जाते। ये जो कर्मफल वाला बात है, बहुत तो आदमी रुपया पैसा कमाने का कोशिश करता है फिर भी फेल्योर हो जाता है, होता नहीं, अपना तकदीर में लिखा नहीं, तो यहाँ यही बढ़ता ये विचार है। ऐसो तो आदमी अपना अपना कर्मफल के अनुसार चलते रहते हैं,
और भगवान भी कह दिए पूरा कह चुके, तो हम तुम्हारा पाप और पुण्य का हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने तुमको उपदेश नहीं दिया या ऐसे चलो, तुमने अपना मनमानी अंदर में काम भाव है और काम भाव के द्वारा चालित होकर तुम ये सब कर रहे हो भगवास। हमारा तुम्हारा जो पाप है पुण्य है कई कुछ भी है, ये मेरा साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने बोला ही नहीं तुमको ये करने। ना दत्त कस्यचित पापम न चैव सुकृतिं विभुम अज्ञानी न आवृतम ज्ञानम तेनो मुह्यंती यंतवा। ऐसे आदमी मुह्यंती मोह प्राप्त हो जाते हैं माया के द्वारा। भगवान कह रहे हैं कि इसमें हमारा कुछ करने का क्या है, वो अपना अपना कर्मफल को भोग रहा है, और जब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी ठाकुर जी कर रहे हैं, माया देवी कर रहा है तो ठाकुर जी तो है और क्या। फिर भी ये विचार बैठता है यहाँ जो जे यथामंग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजम्यहम। प्रपद्यन्ते का मतलब प्रपन्न होना, शरणागति होना, लेकिन शरणागति जड़ जगत का आदमी का अंदर कहाँ है, है नहीं बिल्कुल। तो इसका जो कर्मफल तो करते रहते हैं, ये अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से अपना कर्मफल को भोगते रहते हैं। और यहाँ जे यथामंग प्रपद्यन्ते ये बोलने से एकदम व्यापक अर्थों लगाया जाए तो कोई आदमी का तो दूसरा रास्ता है ही नहीं ठाकुर जी छोड़ के, तो जाने अनजाने में तो सब उस तो ठाकुर जी का ही शरण है। ऐसे शरणागति जो है, ये शरणागति तो विशेष बात है। इधर जो जैसे प्रपन्न होता है हम उसको भी उसी मुताबिक दे देते हैं भजन, हम भी उसका भजन करके उसको। तो मतलब इसका माने हैं जो शरणागति का बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं, ऐसे तो व्यापक अर्थ में कहाँ जाए, अनंत ब्रह्मांड कहाँ जाए, है तो भगवान का शरण में, लेकिन शरणागति माया के द्वारा तो सिद्ध नहीं हुआ, भूल गया रिलेशन भगवान का साथ संबंध भूल गया। जब भगवान मेरा अपना आदमी है, भगवान का साथ मेरा नित्य काल का रिश्ता है, सेव से वो संबंध है तो भूल गया। यहाँ तक भी जोगी ज्ञानी ये भी तो सोभा सेवा को ठुकरा देता, डायरेक्ट सेवा को। और ये लोग अगर कर्म मार्ग में चले, कर्मार्पण कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, राजगुह मार्ग कोई मार्ग में चले, अगर भक्ति देवी का थोड़ा मिलावट नहीं है, बिना भक्ति दीते नारे फॉल, मतलब ठाकुर जी या चरण में जितना परसेंटेज में है, तो 5%, 10%, 20%, 40%, 50% जितना भी हो भगवत चरण में, जितना जितना शरणापत्ति सिद्ध हुए, और हम भी ठाकुर जी कहते उसको ऐसा मुताबिक उसका मांगे जो पूर्ति कर देते। ऐसे तो व्यापक अर्थ में सारे मांगे ठाकुर जी पूर्ति कर, देवता लोग कौन है, देवता लोग होते कौन है, ये तो गोवर्धन पूजा में ठाकुर जी साबित करके दिखा दिया, देवता लोग होते कौन है। ठाकुर जी तो देता है, जो भी देता है ठाकुर जी तो है, लेकिन उसका माध्यम से था। तो ऐसा करके विचार देखा जाए, जो लोग भगवान का सच्चिदानंद मूर्ति का नित्य स्वीकार नहीं करते उसका तो अलग बात है, चिदानंद स्वरूप का लोप होता है, कर्मी अलग कर्मी अपना कर्मफल प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं, ऐसा कैसे चलता है। चैतन्य चैतन्य भी है, कोई अगर पूर्व पक्ष करे, कोई अगर विचार करे, प्रश्न करे, आपका तो जन्म कर्मों के बारे में नित्यता तो समझा, लेकिन शास्त्र में जन्माधि रोहित अंगुष्ठ मात्र, जो लोग जोगी हैं वो अपना परमात्मा को ध्यान जमाते हैं, तो आपका भजन का
कितना पद्धति है, बहुविध पद्धति उपासना पद्धति है क्या? तदुत्तर भगवान कहते हैं जो हमको जैसे शरण लेता है हमारा, वैसे ही हम उसको पूर्ति कर देते हैं। जैसे काल उदाहरण दिया बैदुर जो मुनि या तो हीरा, एक एक एंगल से देखा जाए तो एक एक कलर का रंग का बिछूरन, सो भगवान का अनंत रूप, अनंत रूप है मतलब बहुरूप, अनंत रूप और अनंत रूप का भी भगवान का भागवत में है। भगवान का स्थूल रूप का ध्यान, ये जो पर्वत है, ये नदियां है, ये पेड़ पौधा है, भगवान का विश्व रूप, भगवान का बृहत रूप, इसका वर्णन है दूसरा स्कंद में। तो विचार करने से भगवान छोड़ के तो कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। भगवान छोड़ के क्या है, ऐसा करके चल रहे हैं। और विशेष करके ये जो प्रपन्न होने का बात बोला है, ये तो जे यथांग प्रपद्यन्ते, ये प्रपद्यन्ते ये बात बोल के भगवान का जारे सारे बहु भजन का पद्धति है, उसमें भगवान का जिस स्वरूप पे जैसे शरणागत होता है ऐसे। और इधर आता है 12 नंबर में, और काल पंचरात्रों का ये भी बताया था, मनीर जथा विभागेन नील पीतादिभिर्जुतः रूपो भेदम अवाप्नोति ध्यान भेदात तथा अच्युत, काल चर्चा हुआ था। यहां दूसरा में श्लोक में कह रहे हैं कांखंतः कर्मणाम सिद्धिं जजंत इहो देवतः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांखंतः कर्मणाम सिद्धिं जजंत इहो देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मफल का आकांक्षा रखते हुए, कर्मफल का आकांक्षा रखते हुए जो मनुष्य जो जिस जिस देवता का अर्चन करते रहते हैं, वो कर्मों का जो फल है ये फल शीघ्र मिलते हैं लोगों। ये शीघ्र फल मिलने के लिए अगर प्रश्न किया जाए ये लोग क्यों दूसरे देवता का अर्चन करें, आप तो सर्वेश्वर हो, परात्पर अखिलेश्वर, सर्वदेवमय सर्वेश्वर, तो आपका भजन छोड़ के दूसरा देवदेव का भजन में क्यों लगते हैं? इसका उत्तर दे रहे हैं, कारण जीव सब भोग वासना से आकुल है। और भागवत जी का विचार काल बता दिए, अकाम सर्व कामो वा मोक्षो काम उदारोधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम, ये भागवत जी का विचार है। अस्तमाम जीव भोग वासना से व्याकुल है, ये लोग धन दौलत विद्या जड़ विद्या कुछ भी पुत्रो क्षमता जो कि भी जो भागवत में विचार है दूसरा कंध में, जो जैसे जिस देवता का आराधना करे वह ऐसे फल मिलते रहते हैं। तेजस कामम विभावशु, सूर्य का आराधना करे तेज का आकांक्षा करके, गिरीश को आराधना करे विद्या जल विद्या के लिए, ऐसे अपना अपना
हिसाब का मुताबिक अपना अपना देवताओं को पूजा करते रहते हैं और इसका फल जल्दी जल्दी इन लोगों को मिलते रहते हैं, क्योंकि देवता लोग इस जगत का काल विचार किया था। ये देवता लोग जो है ये जगत का विषय है, ये 14 भवन का अंदर का विषय है, और भगवान जो है तुरीय वस्तु है, भगवान इस जगत का कुछ नहीं है। और ये जो लोग अपना अपना कर्म फल का फल प्राप्ति के लिए जो देव देवता का अर्चन में लगे रहते हैं, इसके द्वारा जो फल मिलते हैं, इसके द्वारा जो फल मिलते रहते हैं, ये फल भी क्षणस्थायी है, तात्कालिक सामान्य फल, इसका कोई दीर्घस्थायी फल नहीं है। और ये फल शीघ्र ही खत्म होने वाला, खत्म हो जाते हैं। क्षण भंगुर ये शरीर है, और निष्काम कर्मों का जो फल है, निष्काम कर्मों का फल, निष्काम कर्मों के द्वारा अगर सिद्ध हो जाए तो हमको ही प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करके हमारा पास ही आ जाते हैं। निष्काम मतलब भगवान में अर्पित करके, कोई आकांक्षा नहीं है। किंतु ऐसा फल जो है निष्काम कर्मों का फल मिलना, जैसे जनक आदि ऋषि अपना किए हैं, ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। बहुत विचार करके करना है, जरा सा भी भूल हो जाए उसमें फल नहीं मिलेगी, ये दुष्प्राप्य है। अनादि काल से जीवों का जो भोग वासना है, इसका ऊपर जय प्राप्त करना ये सहज बात नहीं है। ये कामना वासना के द्वारा चलते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, इसका कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। और कांखंतः कर्मणाम सिद्धिम जजंत इहो देवता, क्षिप्रम ही मनुष्य लोग के सिद्धिर्भवती कर्मज, जो जो देवता का आराधना करे, देवता लोग भगवान का क्षमता से ही दूसरे का जो मांगे, दूसरे का जो मांगे हैं ये पूर्ति कर देते हैं। देवता लोगों का क्षमता जो आया है ये ठाकुर जी से ही आया, कहां से आया, ऐसा करके तमाम दुनिया इसमें लगे हुए हैं, किसी का अक्ल नहीं है, वो चाहता ही नहीं। सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, कभी देवी मैया का पूजा की, कभी गणेश जी का, कभी शिव जी का, ऐसा करके चल रहा है दुनिया। सदसत विचार जो है, सद और असत्वत और अतत, सदसत ये जो कहना अभिमानी, सद और असत, ये जो कहना अभिमानी व्यक्ति जो है सद असत, इसका बारे में ध्यान ही नहीं है, इससे चलते रहते हैं। और 13 नंबर श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तस्यो कर्तारम ओपि मां विद्धि अकर्तरम अभ्ययम, ये चतुर्वर्ण जो है ये मेरा ही द्वारा सृष्टि हुआ, चातुर्वर्णम मया सृष्टम,
गुण और कर्मों का विभाग का अनुसार ये चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चतुर्वर्ण कर्म का विभाग का अनुसार अपना अपना जो स्वभाव है, ये स्वभाव का अनुसार जो क्रिया कर्म में उसका अधिकार है, इसी के मुताबिक मैं चतुर्वर्णों मैंने सृष्टि कर दिया, समाज संसार को चलाने के लिए सही ढंग से, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणो कर्म विभाग सह, जब भी हमने किया है ये भाग, तस्व कत्यारमोपि माम विद्य अकर्तरम अपयम, जब भी हमने सृष्टि किया है, चतुर्वर्णों चालू किया है, और लेकिन फिर भी तस्व कर्तारमोपि, इसका कर्ता मैं होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि मैं इसमें प्रविष्ट नहीं हूं, मैं इसमें प्रविष्ट नहीं हूं। जब भी मैं सृष्टि किया, हमको अकर्ता ओ विकार रहित अविकारी समझ लेना। तस्सो कर्तारम ओपि माम विद्धि अकर्तरम अव्ययम, ये समझ लेना। जब भी चतुर्वर्ण मैंने सृष्टि किया है, फिर भी मैं इसमें प्रविष्ट नहीं हूं और मैं अकर्ता किया है, फिर भी इसमें मैं प्रविष्ट नहीं हूं। और तस्सो कर्तारम ओपि माम विद्धि अकर्तरम, कर्ता हुए भी अकर्ता, इसका माने क्या है? तस्व कर्तारम ओपि माम विद्य अकर्तरम अभ्यम, इसका माने क्या है? माम अभ्ययम अकर्तरम विद्धि, हमको अविकारी अकर्ता बलिया बोल के जान लो, क्योंकि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल बिना स्वार्थ इस समाज का मंगल के लिए ही हमने किया है, मेरा कोई इसमें प्रवेश मतलब हमारा आकांक्षा है, कुछ लेना देना है, कुछ स्वार्थ है, तभी तो इसलिए बोला मैं करते हुए भी अकर्ता हूं। ये बड़ा अजीब सा बात है, कर्ता मैं हूं लेकिन कर्ता अभिमान मेरा नहीं है, निस्वार्थ रूपे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये व्यवस्था को किया है, तो इसीलिए भगवान ऐसा बोल पाया कि तस्व कर्तारम उपि माम विद्धि अकर्तारम अभ्यम, ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति कर्ता भी है और अकर्ता भी है, ये दुनिया में ऐसा मिलना मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है? कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, बहरा गहरा विचार है। और भगवान ये गुण और कर्मों का विभाग का अनुसार चतुर्वर्ण सृष्टि किया है। गुण बोलने से सत रजो तम गुण ही आता है, गुण कर्म विभाग से किसका क्या सतगुण है, रजगुण है, तमगुण है, सारे मिक्सचर है, एकमात्र सतगुण किसी का अंदर नहीं है, एकमात्र रजगुण नहीं है, एकमात्र तमगुण, सब मिक्सचर है। सतगुण प्रधान बोलने से सतगुण का प्रभाव ज्यादा है, रजोगुण का प्रभाव तमोगुण का कम है, लेकिन रजोगुण तमोगुण नहीं है, ये नहीं। गुण बोलने से सत रजो तमोगुण तीन गुण को समझाया गया। सत प्रधान जो व्यक्ति जो है, ये लोगों का जो कर्म है, अध्यापन आदि, जाजन जजन, अध्यापन पूरे हित का काम करना, ये सब अध्यापन आदि, ये सब ब्राह्मण का काम है, सत्व प्रधान ब्राह्मण। और रज प्रधान है, सतगुण कम है, ऐसा क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म युद्ध विग्रह आदि इत्यादि ये करते रहते। और
थोड़ा सा तमोगुण का मिलावट है, रजोगुण प्रधान है, ऐसा वैश्य इसका कर्म में बड़ा आग्रह है, कर्म कृषि वाणिज्य व्यापार आदि करते रहते, बिजनेस किसी गोरक्षा इत्यादि। तम प्रधान जो सूत्र है ये अन्य तीन वर्णों का सेवा, समाज का ये सेवा। ब्राह्मण का अंदर में अगर सतगुण का मिसयूज है, सतगुण व्यवहार किया थोड़ा उल्टा रास्ता करके पतित हो गया तो इसको द्विजबंधु बोला जाता है, अपना पोजीशन से हट गया। ब्राह्मणों का काम ही है जजन जाजन अध्यापन, ब्रह्म का उपासना करना भगवान का, ये तो है ही है। ऐसा अभी इधर प्रश्न आता है, ये सृष्टि कब हुआ? भगवान जो कैसे बोल दिया चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणों कर्म विभाग सह, भगवान जो कह दिया, ये सृष्टि कब हुआ? पहले जन्म है कि पहले स्वभाव है, और पहले स्वभाव है कि आगे पर बाद में जन्म है, कौन सी? जैसे प्रश्न किया जाता है बीच पहले कि पेड़ पहले, गाछ आगे ना बीच आगे? पहले बीच का उत्पत्ति हुई, बीच का नहीं तो गाछ पेड़ का, ये प्रश्न का कोई समाधान है नहीं, क्योंकि सृष्टि का तो अनंत काल अनादि काल से सृष्टि चलते रहते हैं। स्वभाव पहले कि जन्म पहले, ये सब प्रश्न आता कहाँ से? क्योंकि जीवात्मा तो अनित्व, जीवात्मा का शरीर अनित्व है, जीवात्मा अनंत काल से संसार मार्ग में चलते रहते हैं, इसका कोई विराम नहीं है, विच्छेद नहीं है, ये तो चलते रहते हैं। तो संसार अगर नित्य है, और जब सारे सृष्टि जो है भगवान में समा जाते हैं, इस समय भी जीवात्मा निष्क्रिय रूप में रह जाते हैं, लेकिन उसका संस्कार जो है उसका साथी रहता है। संस्कार छोड़ के कहाँ भागे, संस्कार तो है ही है। तो जन्म पहले की संस्कार पहले, ये प्रश्न का कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से सृष्टि है, जीवात्मा अनादि है, जिस जन्म में जैसा क्रियाकर्म करते रहते हैं उसका अगले जन्म में उसका जो प्लस माइनस होके जो कर्म का फल जो है वो भोगना पड़ता है। कर्म सृष्टि प्रलय ये अनादि काल से चलते रहते हैं, इसका कोई आदि नहीं है। सो संस्कार जो है ये भी अनादि, अनादि कर्म फले परिभावार नम, तो अनादि कर्म फले मतलब कर्मफल जो है उसका मतलब संस्कार ग्रो करता है। ऐसा करते करते चल रहा है, और ऋग्वेद संगीता में एक पुरुष सूक्त मंत्र में एक है, जो लोग पुरुष सूक्त मंत्रों दे के पूजा करते हैं डेली, वो लोगों को मालूम है। यहाँ सुंदर एक श्लोक है, ध्यान देना। ब्राह्मणो असो मुखमासित बाहु राजन्न कह कृतः उरु तदस्सो तद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ऐसा पुरुषोक्त मंत्र में आता है, ब्राह्मणो असो मुखमासित बाहु राजन्न कह कृतः उरु तदस्सो यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण दैट पुरुष सृष्टिकर्ता का मुख से निकला, मुंह से क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उरु से, और पदभाम शूद्रो अजात, भगवान का पद से शूद्रो का जन्म हुआ, ऐसा
पुरुषोत्तम मंत्र में बोला गया। इसका भी माने हैं, इसका भी गहरा विचार है। भगवान का मुखों से वेद वेदांत तो आती निर उसका भी सृष्टि हुआ भगवान का। तो ये जो ब्राह्मण है, ये जो मुखारविंद से निकला, इसका मतलब है तमाम वेद वेदाति, इसका पर अधिकार ब्राह्मणों का है, इसका अधिकार ऊंचा है। क्षत्रिय बाहु से बाहु, बाहु बल का प्रतीक है, बाहु बल का प्रतीक है। सब एक एक सब फिलोसॉफी है। जैसे शक्ति मैया का गले में, काली मैया का गले में इतना मुंडमाला है, मुंडमाला माने सब सर को काटते काटते एक माला बनाया। जब भी भयंकर विचार बाहरी दृष्टि में देखो भयंकर विचार, सारे गले को काट के एक माला बनाया, और वास्तव सूक्ष्म विचार किया जाए तो इसका माने माने क्या बैठता है। गले में मुंड माला पहना, मुंड है बुद्धि का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान तो मस्तिष्क में रहता है। ऐसा ऐसा करके बहुत सारे विचार है। ऋग संहिता का ये विचार के अनुसार पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा ये आता है कि ब्राह्मणों का उत्पत्ति भगवान का मुखारविंद से, मतलब वेद वेदांत तो आदि में इनका अधिकार है, समाज संगा संसार को परिचालित करे, मार्ग दिखाए, ब्रह्मों में आस्था रखने वाले, ब्रह्मों में विश्वास रखते वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मों में विचरण करने वाले, सविशेष ब्रह्मों में ब्रह्मचारी है, चारण करते रहते। और वैश्य जो है उड़ू से, वैश्य जो है उड़ू से, वह उड़ू का ऊपर सारा शरीर का बल, शरीर का जो स्ट्रक्चर है इसका बल उड़ू का ऊपर, और उसका बाद तो घुटना तो है ही है। ये उरू जो है, ये उरू के द्वारा ये होता है कि समाज संसार का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, ये उद्योगी, ये लोग उद्योगी हैं। उद्योगी मतलब उद्योग बनाते हैं, उद्योग नहीं है तो काम कैसे मिले, उद्योग नहीं है तो इकोनॉमी का नो फ्लो कैसे बनेगा। तो ये वैश्य जो है उरू से और चरण से शूद्रों का उत्पत्ति, इसके द्वारा ये इंडिकेशन है ये शूद्रों सारे चरण सेवा करें। चार संप्रदाय का चार विभाग जो बताया वर्ण का, तमाम ये सेवा करें, जितना भी नीचा काम करना नहीं चाहता कोई, ये लोग का सब सेवा है, झाड़ू लगाना और जो कुछ भी करना, भांगी का सेवा जो कुछ भी करे, ये नीचा है एकदम। और इस शूद्र का बारे में होता है ये तीन संप्रदाय का सेवा करते रहे। और उसका बाद अंतज, अंतज मतलब इसका बारे में हिसाब दिया नहीं, अंतज एकदम नीचा, उसका संस्कार बोल के कुछ है ही नहीं, बेकार अत्यंत तो कुसंस्कार है इसका अंदर में। और हमारा ये वर्णाश्रम का विभाग का बारे में बहुत सारे चर्चा तर्क वितर्क चलते रहता है। ब्राह्मण क्या शरीर है, न ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण क्या है, शरीर है कि शरीर का रंग है कि क्या है ब्राह्मण, क्या ये जो उसका जो खानदान है ये है क्या है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है स्वभाव, अपना जो पूर्व संस्कार के अनुसार स्वभाव हुआ, इसी को ही ब्राह्मण माना जाए। जिसका अंदर में अच्छा स्वभाव है, सात्विक स्वभाव, भगवान का चिंतन करता है आदि समस्त, पहले अपना सत्य युग में ऐसा कोई वर्ण का विभाग उधर
नहीं था, सारे हंस वर्ण। पहले सत्ययुग में अलग अलग सा कोई वर्णों का विभाग, इसीलिए सत्ययुग को कृतातीत, सत्ययुग को कृतयुग बोला जाता है। कृतयुग, कृतयुग मतलब, कृतयुग मतलब है जन्म लेने का साथ साथ ही कृत कृतार्थ बन जाते हैं। कृतयुग का मतलब है कोई भी आदमी सत्ययुग में पैदा होते थे जन्म के साथ कृत कृतत्व बन जाता, इसीलिए कृतयुग भी बोला जाता है। ये पहले जो जो सत्ययुग के बारे में ये ऐसा कहता है, कहावत है कि उस शास्त्र का प्रमाण है, सत्ययुग में कोई डिवीजन नहीं था, एक ही वर्ण था हंस वर्ण। और अपना अपना कर्मों के अनुसार सब कृतार्थ होते थे, और बाद में चलकर त्रेताजुग आदि उसी में थोड़ा धीरे धीरे समाज संसार का जो स्थिति है ये बदलते रहे, और उसके बाद ये जो इसका जो हालत है बिगड़ रहा था, इसका हालत जो है बिगड़ रहा था। तो अंतिम में इसका संस्कार अर्थात इसका जो चार डिवीजन होना जरूरी हो गया। एक ही संसार में कोई पिता ब्राह्मण है, लड़का क्षत्रिय है स्वभाव का, जैसे परशुराम जी महाराज ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं, वो कुछ क्या करोगे, क्षत्रिय स्वभाव वाले। विश्वामित्र मुनि जन्म हुआ है क्षत्रिय कुल में, लेकिन बाद में बहुत बाद उसका जो भाव आया वो ब्राह्मण भाव आया। जन्म का भी कोई ठीक नहीं, वशिष्ठ मुनि कहाँ जन्म हुआ है, अगस्त मुनि का जन्म कैसे हुआ है, ऋषि सिंह मुनि का जन्म कैसे हुआ है हरिण से, तो इसको ब्राह्मण है कि शूद्र है कि क्या बताए, क्या बताया जाए। अर्थात ये विचार बैठता है कि अपना भगवान जी बताया चतुर्वर्णों में असच गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म का विभाग। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का लग रहा ब्राह्मण ही बने, ऐसा हो नहीं सकता किसी, क्योंकि इसमें उल्टा विचार आ जाता। गुणों कर्म विभाग के अनुसार इसका होता है। शास्त्र में ये भी विचार है, हर जन्म में किसी का पिता माता होता है। अब ऐसा भी है कोई कोई जीव जो है सेदो जो अर्थात हमारा जो पसीना है पसीना से होता है, जैसे ऊको नदी मस्तक में कीड़े होता है, और जो बिछुआ है बिछुआ आरवा चाल जो है क्रूड राइस जो है उसको बहुत दिन रख दो आतप चाल, बहुत दिन बाद उसमें से कीड़े होके उसमें अंदर में बिछुआ पैदा हो जाता। तो मतलब बिछुआ का पिता माता भी है कभी कभी, कभी कभी पिता माता नहीं है फिर भी कीड़े मकोड़े जैसे जन्म होता है, ऐसे पुराना चाल से आतप चाल से पैदा हो जाता है। तो ये जो मनुष्य समाज में जो बाद में जो एक विचार होना शुरू कर विचार करना शुरू कर दिया है लोग कि जन्म के अनुसार ऐसा होता नहीं। तो चतुर्वर्णो माया सिस्टम गुणों कर्म विभाग, गुण एवं कर्मों का अनुसार विभाग है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का लड़का है ब्राह्मण वैश्य का लड़का वैसा, ऐसा कोई नहीं। जैसे एक फैमिली में कोई है डॉक्टर है, कोई है इंजीनियर है, कर्म का विभाग हो गया। एक ही संसार में
पहले पहले ऐसा था, ये जो ऋग्वेद का एक सूक्त है, ऋग्वेद का एक सूक्त है इधर गुप्त सूक्त है, बहुत सुंदर। और सूक्त का अनुसार ये आता है विचार, हम इसका माने बता दिया अभी। ये ऋग्वेद का एक सूक्त है, इसका माने ये बैठता है, हे सोम, हे सोमदेव, हर व्यक्ति का कार्य एक प्रकार नहीं होता, हम लोगों का कर्म भी तरह तरह का बैठता है हमारा, हम भी करते रहते अलग अलग, बहु किस्म का हमारा कार्यावली है। देखो ए सूत्रधार जो है ये लकड़ी का काम करता है, वैद्य जो है ये बीमार का इलाज करता है, स्तोता यज्ञ कर्मादि करता है, ऐसे होता है संसार में, ऐसा बहुत है। देखो हम स्तोत्रकार, मैं यज्ञ यज्ञ आदि करता हूँ, पुत्रो लोक चिकित्सा करता है, कन्या जब भर्जनादि अर्थात छोले फूले वो भूंगने का काम, ये तो शूद्रों का काम है बावैश्यों का। ऋषभ जी महाराज का जो 100 लड़का है, ऋषभ जी महाराज का जो 100 लड़का है, 100 लड़काओं में 9 नवयुगेंद्र आप जानते हो, नवयुगेंद्र हुआ, और बाकी 9 को 9 वर्षों का हिसाब करके दे दिया हिस्सा चलाने के लिए, राजा बना दिया 9 नवयुगेंद्र। बाकी 81 जो है, 81 जो है वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण बने। अब ये सवाल आता है कि ब्राह्मण कैसे बने, वो तो महाराज वो तो क्षत्रिय है। ऋषभ जी महाराज जब भी भगवान का आवेश अवतार, लेकिन ऋषभ जी महाराज तो क्षत्रिय है, तो सारे लड़का तो क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देख लेना पाठ करके। ऐसा करके गुणों कर्म विभाग का अनुसार जो साइंटिफिक विचार ठाकुर जी ने बताए, आज तक भी इसको तोड़ना मुश्किल है। जब भी कोई पालन नहीं कर पाते, लेकिन सही है, नहीं पालन करने से क्या उल्टा पलटा हो गया, समाज का व्यवस्था उल्टा हो गया, पूरा अव्यवस्था फैल गया। तो चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा तस्य कर्तारम ओपी माम विद्य अकर्तरम अपय, ऐसा करके भी था। विदेश में भी जिसका जो स्वभाव और कर्मों का प्रभाव देखा जाता है, वो लोग तो वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं करते, फिर भी वो लोग का एक विचार अनोखा है कि जिसका जो स्वभाव है, कर्म का जो एक जो लक्षण दिखाई पड़ता है, कैसे कौन मार्ग पे, ऐसा मुताबिक वो लोग चलते हैं। जो जिसका अंदर में पहला संस्कार के अनुसार किस चीज में उसका लगन है ज्यादा, ये लोग उसको उसी लाइन पे जाने के लिए व्यवस्था कर देता है। हमारा इधर पॉलिटिक्स है, करने नहीं देते, लेकिन उधर दे देता है। इसीलिए गुणकर्म विभाग ये लोग साइंटिफिक वे से पालन नहीं करने से भी ये विचार वो लोग करता है, इसीलिए वो लोग का संसार समाज संसार में तरक्की होते रहते। जो जिस काबिल है उसको वही क्रियाकर्म का बारे में ज्यादा प्रेरणा दिया जाता है। इसका अंदर में खेलने का प्रेरणा, बच्चा उसको सरकार से सहायता करके उसको उसी लाइन पे तरक्की करने का व्यवस्था कर दे। हमारा देश में ऐसा नहीं है,
ऐसा करके ऋग्वेद का संस्कार, बाकी दूसरा दूसरा बहुत जगह है, वो सब जगह से वर्णों और असम धर्मों का बहुत सारे विचार आता है। और शायद आपको याद है ये जो जबाल सत्यकाम और गौतमी मणि, इसका बारे में ध्यान दो तो ठीक है। गौतमी मुनि अपना शिष्यों को पाठ देते थे, अर्थात पाठ पढ़ाते थे। और एक दफे वो जबाल सत्यकाम जो है ऋषिवर का पास ये प्रार्थना की, हमको भी आप भर्ती करा लें, हमको भी आप कृपा करके। तो ऋषि जी ने एक प्रश्न किया, तुम पहले जानकारी कर जान पहले पता करके आओ तुम्हारा तुम्हारा कौन सी खानदान। वो बोला हमारा खानदान के बारे हमको पता नहीं, मेरे जाओ पूछ के आओ माता जी को। माता जी को पूछने गए तो माता जी भी कह नहीं सकी, तेरा जन्म के बारे में मेरे को पता नहीं, मैं सेवा करते रहे कभी, अब कौन तेरा पिता है, खानदान क्या है, वो तो बता नहीं सके। जवाल सत्यकाम सीधा जाके ऋषि का सामने, ऋषि मनी ऋषि वर्ड का सामने, तमाम छात्रों का सामने ये बात को खुल्ला खुल्ला बोल दिया। बोले हमारा कोई पिता का कोई ठिक नहीं, हम बता नहीं सकते कि हमारा कौन सी जात है। ऐसा बड़ा सभा में कह दी, जहाँ जहाँ छात्रों लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ ओपनली कह दी। कहने के बाद सारे बालक बालकों ने हंसना शुरू कर दिया। ऋषि जी ने कहा तो चुप हो जाओ, हंसो मत। अब बोले बेटा आ जाओ। और गौतमी ऋषि जो विचार बताए ये भी हमारा इधर आता है, विचार करना ठीक है कि तुम्हारा ये जो सच्चा वतन वचन है, तुमने सब कोई का सामने जो एकदम बिना किसी संकोच बिना किसी कपट भाव पूरा एकदम कह दिया कि हमारा पिताजी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं मेरा माताजी ने कही कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कौन सी हूँ, कौन सी गोत्रों का हूँ, कौन सा क्या हूँ। तो गौतमी ऋषि ने सीधा बताया जे तू ही ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण का पहला लक्षण है आर्जव सत्यवादिता, वो सच्चाई को पकड़ के रखते हैं ब्राह्मण। आजकल का ब्राह्मण तो ये बारह मन हो गया, आर्जवन ब्राह्मणे साक्षात शूद्रे अनार्जव लक्षण, आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात, आर्जव जो है सच्चा बताना सच्चाई में प्रतिष्ठित होना ये ब्राह्मण का है। तो तू हम निश्चित है तू ब्राह्मण है, कोई चिंता नहीं, आ जा तो उसको संस्कार कराएंगे हम। आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात शूद्रो अनार्जव लक्षण, आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात शूद्रो अनार्जव लक्षण गौतमस्तु इति विज्ञायो सत्यकामम उपानयत। गौतमस्तु इति विज्ञायो सत्यकामम उपानयत। गौतमस्तु गौतम मणि, लेकिन गौतमी मणि ऐसा विचार किया कि सच्चाई ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है, अशुद्र अनार्जव लक्षण शुद्र अनार्जव लक्षण है। ये बात को ध्यान रखते हुए सत्यकाम को उपनयन संस्कार दिया था, सत्यकाम उपानयत इति विज्ञायो सत्यकाम उपानयत, सत्यकाम को उपानयन संस्कार दिया। माध्वाचार्य ये छांदोग्य उपनिषद का साम संहिता वाक्य
ये उसके बाद भागवत में भागवत का और भी विचार है। भागवत का जस्सो यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि व्यंजकम तदन्नत्रापि दिश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में सप्तम स्कंद में जस्सो यत लक्षणम प्रोक्तम, जिसका अंदर में जो लक्षण दिखाई पड़ता है, जस्सो यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि व्यंजकम, इंडिकेशन ऑफ हिज वर्ण, किस वर्ण का ये बालक है, ऐसा इंडिकेशन पहले ऋषि मुनि ऋषि समाज पहले का समाज में ऐसे ही हुआ करता था। वर्ण आदि जो निर्णय है ये ऋषि मुनियों ने करते, आज तो हुआ ट्रेडिशनल विषय है तो शूद्र लेकिन बोलता है ब्राह्मण, समाज संस्कार बदल गया। तो जस्सो यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि व्यंजकम तदन्नत्रापि दिश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत। आदमियों का जो वर्ण अभी व्यंजक वर्ण का जो लक्षण है, ये लक्षण के अनुसार उसका वर्णन निरूपण होनी चाहिए। केवल जन्मों के द्वारा वर्ण निरूपण संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, लेकिन जोर जबरदस्ती चल रहा है अभी। केवल जन्म के द्वारा वर्ण का निरूपण होना संभव नहीं, मनुष्य का जो जो धर्म का जो जो वर्ण वर्ण अभिव्यंजक जो लक्षण है उस लक्षण तो है ही है। और इसी के मुताबिक उसका लक्षण क्या है, जस्सो यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि व्यंजकम, उसका जो इंडिकेशन है किस वर्ण का ये लड़का है, ये बालक है। और दूसरे जगह भी ऐसे कोई कारण ढूंढना मुश्किल है, तो उसका स्वभाव और कर्म को देखा जाए। तदन्नत्रापि दिश्येत, दूसरे जगह भी अगर निर्णय नहीं हो पाता तो तदन्नत्रापि दिश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत, तत्व का द्वारा ही इसका निर्णय होनी चाहिए। लेकिन समाज में उल्टा हो गया, और चतुर वर्णों में किसका कौन सेवा है, पहले भी हम बताया था, ब्रह्म स्वभाव का समो दमो तपः शौचम ख्यांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का लिए सौर्यम तेजो धीतिर्दाक्षम युद्धि चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्व क्षत्रकर्म स्वभावजम। और किसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्वापि स्वभावजम। ऐसा कर्मी तमाम इचार वर्णों का जो क्या क्या सेवा है ये सब बताया गया। और वर्णानाम विशेषण अस्ति, ऐसा करके भी बहुत सारे आचार वर्ण का कोई विशेष नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण है सत्य युग में माँ श्रीमद भागवत जी महापुराण में है, आदौ कृत युगे वर्णो नृणम हंस इति श्रुतः। आदौ कृत युगे वर्णो नृणाम हंस इति श्रुतः, कृत कृत्वा प्रजा जात्या तस्मात् कृत युगम विदुः। आदौ कृत युगे वर्णो नृणाम हंस इति श्रुतः, मैंने पहले बताया, पहले हंस बोल के एक ही जाति था कृत युग में, कृत कृत्वा प्रजा जात्या, जन्म के साथ ही कृतकृत हो जाते थे, तस्मात कृत युगम विदुहु। और तेता युग में क्या हुआ, न तेता युगे महाभागो प्राणानो में हृदयत्रयी विद्या पादुरभूत तस्या अहम आसम त्रिविद मखः। ये तेता युगे प्रारंभ है,
हमारा हृदय और प्राण से रिक साम जोजु ए रिक जोजु साम ये त्रयी वेद अथर्व जो है बाद में आया और रिक साम रिक जोजु साम ये त्रयी विद्या रिक सबसे बड़ा प्राचीन रिक है और रिक का बहुत ब्रांचेस है बहुत शाखा प्रशाखा का जोजुर्वेद का हो असंख्य शाखा प्रशाखा का सामवेद का भी क्योंकि कलिकाल में सब बहुत कम बुद्धि वाले हैं तो भगवान कहते हैं कि ये तैताजु का पारम में मेरा हृदय और प्राण से ऋग जजु साम ये त्रयी वेद का अर्घ दूसरा नाम त्रयी वेद का दूसरा नाम श्रुति क्योंकि सुन सुन के याद रखने का व्यवस्था था इसलिए श्रुति और ये ऋग जजु साम ये त्रयी विद्या उत्पन्न हुआ आ तदंतर हम होत्रो अधर्यो उद्गात्रो ये तीन यज्ञ रूप धारण करके अर्थात कौन जाजन करे कौन इसका जो यज्ञ होगा उसका गान करना सामवेद का गान और आयोजक कौन है उद्योक्ता कौन है ऐसा करके तदंतर होम अधर्य उद्गात्रो पवित्रतीन यज्ञ रूप धारण भगवान कहते हैं कि हम किए बाद में विराट पुरुष का मुख बाहु उरु और पाद चरण से सौ सौ आचार संपन्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उत्पत्ति हुआ ऐसा भागवत में कहता है लिखा है आदौ कृतयुगे वर्णो नीनाम हंस इति श्रुतः कृतकित्वा प्रजा जाता तस्मात् कृतयुगम विदु तेताजुगे महाभागो प्राणानो मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूत तस्य अहम आसम त्रिविद मखः ऐसे यज्ञों का आयोजन हुआ और विप्रो क्षत्रियो बीट माने वैश्य विप्रो क्षत्रियो बीट शूद्रा मुख बाहु उरु पादजा भागवत जी महापुराण में है विप्रो क्षत्रियो बीट शूद्रा मुखो बाहु उरु पादजा ऐसा करके मुख से विप्रो बाहु से क्षत्रियो उरु से वैश्य और पदोजा चरण से शूद्रा का उत्पत्ति वैराजात पुरुषात जाता जो आत्माचारो लक्षण भागवत जी महाप्राण में विप्रो क्षत्रियो बीट शूद्रा मुखो बाहु उरु पादजा वैराजात पुरुषात जाता य आत्माचारो लक्षण है ऐसा करके जो ठाकुर जी से आया अपना अपना स्वभाव के अनुसार लक्षण के अनुसार प्रतिष्ठा पाया ऐसा ही लिखा हुआ है तो ये जो चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणकर्म विभाग है इसका पता चला थोड़ा बहुत जानकारी हुआ और ये जो महाभारत में भरद्वाज के प्रति भृगु मुनि का बात है महाभारत में जो हम पहले उठाए सबसे पहले विशेषोस्ति वर्णानम नौ विशेषोस्ति नौ विशेषोस्ति वर्णानम सर्वम ब्रह्ममिदम जगत ब्राह्मणो पूर्वशिष्टम ही कर्मभीर वर्णताम गतम नौ विशेषोस्ति वर्णानम वर्णों का कोई विशेष नहीं नौ विशेषोस्ति वर्णानम सर्वम ब्रह्ममिदम जगत और ब्राह्मणो पूर्व सृष्टम ही कर्मभीर वर्णताम गतम
पहले एक ही था, उसका बाद कर्मों का अनुसार स्वभाव का अनुसार धीरे धीरे विभाग किया गया। ऐसा प्रमाण सिर्फ भागवत में ही नहीं है, महाभारत में है, महाभारत से बताया ये बात को। इसका बाद वायु पुराण में, रामायण में आदि, भागवत जी महापुराण में भी पूरा चतुर्वर्ण आश्रम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकता है। तो चतुर्वर्णो माया सृष्टो गुणकर्म विभाग सह तस्यो कर्तारम उपी मांग विद्धि अकातरम अभ्याय, इतना तक समझ पाए। इसके बाद 14 नंबर श्लोक में ठाकुर जी बता रहे हैं, जे नौ मांग कर्माणि लिप्पन्ति, नौ में कर्म फल स्प्रिया, इति माम जो अभिजानाति कर्म भीर नौ सबद्धते, नौ मांग कर्माणि लिप्पन्ति, नौ में कर्म फल स्प्रिया। ये तो सही बात है, भगवान कह रहे हैं कि हम किसी कर्म फल में लिप्त होते नहीं, कर्म समूह हमको लिप्त व आसक्त करने से अक्षम। नौमान कर्माणि लिप्पन्ति, हमको कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, कर्म समूह हमको लिप्त व आसक्ति करने में अक्षम है, कर नहीं सकता, और हमारा कोई कर्म फल में कोई आसक्ति भी नहीं है, फल का भी आकांक्षा नहीं है। ऐसा करके, ऐसा जिसका जानकारी है, जो ऐसे जानते हैं, ये कर्म समूह द्वारा, कर्म समूह के द्वारा बद्ध दशा में नहीं जाते। भागवत में और सारे वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत सारे हैं, जगह जगह 11 स्कंद में और आता है, 11 स्कंद 5 अध्याय में, मुखो बाहु उरु पादेभ्यो पुरुषाश्रमय सहो चार जगिरे वर्ण गुणैर विप्रादयो पृथक, भागवत जी महाप्राण में, मुखो बाहु उरु पादेभ्यो पुरुषाश्रमय सहो, कौन आश्रमी सह, चार जगिरे वर्णा गुणैर विप्रादयो पृथक, पूरा भागवत जी महापुराण में है। मुख बाहु उरु पाद ऐसे पुरुषों का आश्रम के सहित चतारो पुरुषों से आश्रमी सहो चतारो जगिरे वर्णा गुणोर विप्रादय पृथक, इसका गुण और स्वभाव जैसा है उसका सेग्रीगेशन हुआ, भागवत में प्रमाण है। भागवत में और भी है, इस 17 चैप्टर में 11 स्कंदो यहां लिखा हुआ है, विप्रो क्षत्रियो बीटो शूद्रा मुखो बाहुरु पादयः वैराजात पुरुषात जाता य आत्माचारो लक्षण, विप्रो क्षत्रियो वैश्य शूद्रो मुख बाहु उरु पादया, ये तो एक ही बात है, वैराज पुरुष वैराजात पुरुषात जाता य आत्माचारो लक्षण, अपना अपना ये स्वभाव है, कर्म और स्वभाव का जो लक्षण है इसी का मुताबिक ये सृष्टि हुआ है। और ये कर्म फल जो है, कर्मों का जो फल है, कुछ भी कर्म समूह में, कर्म समूह कभी हमको लिप्त तो नहीं कर सके, कर्म फल में मेरा कोई कर्म, कर्म कर्म समूह में मेरा कोई आसक्ति नहीं है, कोई मुझे अपना कोई आसक्ति है नहीं, और कर्म फल में भी मेरा कोई आसक्ति नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति जानता है तत्व,
ऐसा तत्व जो व्यक्ति जानता है, ऐसा मापी कोई अगर है तो इसको इसका लिए कर्म जो है बंधन का कारण नहीं बनेगी। इसका लिए ऐसा अगर आदमी है तो कर्म समूह के द्वारा हम तो आबद्ध होता नहीं, अकर्म फल में मेरा आसक्ति नहीं। ऐसा कोई अगर तत्व तो जिसका मालूम है, जो व्यक्ति जानता है, इति माम जो अभिजानाति अभिष्ट रूपे जानाति, वो कर्म फिर न बद्धते, वो कर्म के द्वारा बंधन में नहीं आने वाले। अब भक्तिमय ठाकुर जी ने कह रहे हैं कि जीवों का अदृष्ट वशत जो कर्म तत्व, कर्म तत्व बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, गहना कर्मणो गति बाद में आएगा श्लोक। कर्मों का जो गति है भयंकर है, कर्मों का गति इतना गहरा है, इतना इंट्रिकेसी है, जटिल है कि बता नहीं सकता कोई। भक्तिमय ठाकुर जी ने इस विषय में खुलासा किया कि जीवों का अदृष्ट के कारण जो कर्म तत्व हम सृष्टि किया है वह हमको कर्म बंधन में डाल नहीं सकता, हमको कर्म बंधन में डाल नहीं सकता, ये संभव नहीं है। एवं कर्म फल में भी मेरा कोई आसक्ति है नहीं, कारण मैं स्वयं सरे सज्ज पूर्ण भगवान है, मेरा क्या आकांक्षा सोखता, मैं सारे सज्जपूर्ण भगवान, हमारा लिए तो ये कर्म फल का जो छोटा छोटा जो कर्म का जो छोटा छोटा फल है ये तो फालतू, मेरे लिए कुछ भी नहीं। जीवों का कर्म मार्ग, जीवों का जो कर्म मार्ग है इसका बारे में जिसका जानकारी है, कैसे कैसे बंधन में डालते हैं, कैसे कैसे एक जोनी से दूसरा जोनी से चले जाते हैं, और हमारा स्वतंत्रता, हमारा जोग माया के द्वारा उपासित होके जो मेरा आना इस जगत में और लीला रचाना, ये कर्म मार्ग का विचार, जीवों का विचार, और हमारा जो तत्व है स्वतंत्रता, ये सब विचार करके जो हमारा अव्यय तत्व का बारे में जानकारी लेता है, जो हमारा अद्वैय ज्ञान तत्व का बारे में जानकारी लेता है, वो कभी भी कर्मों के द्वारा बद्ध दशा में नहीं जाने वाले। ये कभी भी कर्मों के द्वारा बद्ध दशा में जाने वाला नहीं है। शुद्ध भक्ति आचरण के द्वारा हमारा पास ही आ जाता है। जो हमारा अव्यय तत्व अवगत हो जाता है वो कभी भी कर्मों के बंधन के द्वारा फांसता नहीं, और इनके जो शुद्ध भक्ति आचरण करो तो शुद्ध भक्ति का आचरण करते करते हमारा पास पहुंच जाता है। नौमन कर्माणि लिप्पन्ति नौमे कर्म फल स्प्रिया इति माम जो अभिजानाति कर्मभीर न सबद्ध थे, वो कर्मों के द्वारा कभी बंधन दशा में नहीं जाते, संभव नहीं। एवं ज्ञाता कृतम कर्मो पूर्वैरोपी मुमुक्ष भी एवं ज्ञाता, इसी प्रकार जानकारी लेने के बाद एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरोपी मुमुक्षु भी कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैपूर्वोत्तरं कृतम्। ऐसा करके मेरा तत्व का बहन में जानकारी प्राप्त करो, और जानने के बाद प्राचीन जनकादि ऋषि महाजन लोक संग्रह के लिए लोगों को व्यवस्थापित करने के लिए कर्मों किया था,
लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थापित करने के लिए कर्म किया था जनकादि ऋषि, लोक संघ प्रवर्तनार्थ कर्म किया था। इसी कारण ये तो महाजन है तो तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए, जेहेतु सही हेतु तुम पूर्व पूर्व जुगानु जुग जुगांतरे महाजन कर्तृत्व कितो कर्म ही करो, अर्थात महाजन लोग जो किया है, जो मार्ग दिखाया है उसी रास्ते पे चलो, इसमें कोई हंगामा है नहीं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मो पूर्वै रोपी मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। जैसे जैसे पूर्व महाजन लोग जो किया है तुम भी ऐसा ऐसा करते चलो, उसमें कोई ऐसा तुम करते चलो। क्योंकि कर्म नहीं करने से चित्तों का अगर अशुद्धि है, कर्म नहीं करने से कभी भी चित्त शुद्धि का कोई संभावना है नहीं। यदि अगर चित्त अशुद्धि है तो चित्त शुद्धि मूलक जो कर्म है ये पालन करना चाहिए। चित्त शुद्धि, और जिसका चित्त शुद्धि हो गया वो तो फिर भी उसका कर्म करना नहीं करना बराबर फिर भी करते हैं, क्योंकि चित्त शुद्धि रहने से लोक संग्रह करवा, लोक संग्रह अर्थात लोगों को उपदेश देना, लोगों को सही रास्ता में चलाना संभव है। एंड अति प्राचीन काल में भक्तगण कैसे कैसे आचरण किया ये भी तुम देख लो और ऐसा मुताबिक अपने को चलाओ। कर्म छोड़ने से कोई बात अशुद्ध चित्त व्यक्ति का पक्षे चित्त शुद्धि मूलक ज्ञान गर्भ विषय कर्माचरण और शुद्ध चित्त व्यक्तिगण पक्षे जो शुद्ध चित्त है उसका लिए लोक हितकारक कर्म करना चाहिए। जैसे जनकादि ऋषि लोक संघों लोगों को व्यवस्थापित करने के लिए कर्म किया है, ऐसा करना जरूरी है। किं कर्मो अगले श्लोक में बता रहे किं कर्मो, किं कर्मो किं अकर्मेति कवयो ओपि अत्र महिता तत्ते कर्म प्रवक्षामि जज ज्ञाता मोक्षसे अशुभात। किं कर्मो किम कर्मो किम अकर्मेति कवयो ओपि अत्र महिता तत्ते कर्म प्रवक्षामि जज ज्ञाता मोक्षसे अशुभात। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विवेकी लोग, ये जो बोला ना कवयो ओपि अत्र, कवि का मतलब है भूत भविष्यत वर्तमान देखने वाले, ये कवि, और हमारा इधर का जगत का व्याख्या कवि मतलब जो पोएट्री लिख सकता कविता, ये माने नहीं है। किं कर्मो किम अकर्मेति कवयो ओपि अत्र महिता, अर्थात कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसी विषय में विवेकी व्यक्तिगण भी मोहित प्राप्त हो जाता है, निश्चय नहीं कर पाता। इसीलिए जो अवगत होने से अशुभ रूप कर्म संसार से मुक्त मिलता है, यही कर्म तुमको उपदेश कर रहा हूं। किं कर्मो किम अकर्मेति कवयोपि अत्र महितः तत्ते, इसीलिए आपको तत्ते कर्म प्रवक्षामि, इसका बारे में हम बताएंगे। जज ज्ञाता, जिसको जानने का बाद मोक्ष से अशुभात, अशुभ में कर्म का गति अशुभ है, मोक्ष से अशुभात, अशुभ से, अशुभ क्या है,
अशुभ है, कर्म का गति अशुभ है, अपना कर्म फल आकांक्षा करके कर्म करते जाइए तो अशुभ है। जब तक कर्म है तो अशुभ पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये भागेगा। ऐसा करके बताया ठाकुर जी, व्याख्या किए। उसका बात कह रहे हैं कि कर्मणो ही अपि बद्धव्यम बद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों का गति कर्म क्या है, विकर्मा का गति अकर्म तत्व ज्ञातव्य जानना जरूरी है। कर्मणो ही ओपि बद्धव्यम बद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म का तत्व क्या है, ये सब तत्व को जानना जरूरी है, ज्ञातव्य। क्योंकि कर्म का गति जो है दुर्गम है, बड़े बड़े आदमी समझ नहीं पाते। गहना कर्मणो गति, कहाँ से कहाँ जा रहा है कर्म, बड़ा इसमें कोवि अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ये लोग भी मोह प्राप्त होता है। ये जो कर्म है, कर्मों के बारे में पहले बहुत चर्चा हुआ। कर्म मतलब वेद, वेद में लिखित जो है, वेद विहित जो है वही कर्म है। और विकर्म मतलब इसको नहीं करना, शास्त्रों में जो लिखा है, वेदों में जो निर्देश है, इसका मुताबिक कर्म नहीं करना, ये विकर्म है। अकर्म मतलब ये जो अकर्म है, अकर्म का मतलब है जो वेद में जो लिखा हुआ है उसको नहीं करना। विकर्म में विपरीत कर्म, सॉरी, विकर्मों का मतलब पहले भी हम व्याख्या कर चुके हैं। विकर्मों का मतलब है इसका उल्टा करना, जो करना नहीं चाहिए ये सब उल्टा सीधा करना। तो वेद विहित कर्म है कर्म, उसका नहीं करना अकर्म है, और विकर्म है उसका विपरीत आचरण करना। ये इसका बारे में कर्म अकर्म, कर्म अकर्म विकर्म, ये तीन विषय में जो सही अर्थ है ये पकड़ना है। क्योंकि समाज में एक एक आदमी एक एक मतलब के लिए अलग अलग सा माने कर दिया, इसीलिए बोला लोक प्रसिद्ध अर्थ, अतः लोगों में ये चलते आ रहे हैं तो इसको करना चाहिए, ऐसा नहीं। शास्त्रों का विचार के अनुसार करना चाहिए। समाज में ही चल रहा है, आदमी ये लोग पकड़ के रखा है ऐसा माने, ये नहीं चले। लोक प्रसिद्ध अर्थ, लोगों में जो प्रसिद्ध अर्थ है, लोग अपना मतलब के लिए जो अर्थ लगाया है, ये नहीं चले। तो इसका बारे में ये जो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म, इसका बारे में बड़े बड़े जो व्यक्ति है ये भी मोहित प्राप्त हो जाता है। कर्मों का गति जो है बड़ा दुर्गम गति है। ऐसा करके भागवत में भी 11 स्कंद में नवजोगेंद्र का जो प्रसंग में आता है, से अविर्होत्रो, इसका बारे में कर्मा कर्म विकर्मेति वेदो बाधो न लौकिक वेदस्व चेश्वरात्मोत्ता तत्र मुह्यंति सूरयोः, इसका बारे में लिखा हुआ। कर्मो अकर्मो विकर्मो वेदो बाधो न लौकिक, और वेद का साथ ईश्वर का कोई पार्थक्य नहीं है। वेदस्व
च ईश्वर आत्मोत्ता तत्व मुह्यंति सुरयो, वेद ईश्वरी है, इसीलिए इसका बारे में विचार बनाने में बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने इसका इसी श्लोक का सुंदर व्याख्या किए, शास्त्र विहित तो आचरण के नाम जो हमने बोला वही कर्म है, शास्त्र विहित तो सदाचार अपालनी अकर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म ये विद ये कैसे आया, भले सारे ये कर्म अकर्म विकर्म ये सारे ये सब लोग जो क्या है वेद का विचार का अनुसार ही ये लोग अर्थ लगाया। लौकिक ये जो है इसका बारे में तो आदमी बोलते रहते हैं, यहां लिखा हुआ है वेदों में, वेदा पुष्पिता वाचा वेद में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन लौकिक अर्थ ग्रहण करने से उल्टा हो सकता, इसीलिए शास्त्र का सही विचार वेद शास्त्र शब्द ब्रह्म रूप ईश्वर आविर्भाव से इसमें सूर्यगण अर्थात विद्वान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, इसके प्रवेश नहीं कर पाते, इसका माने क्या है, भगवान का शब्द ब्रह्म तनु और परब्रह्म तनु उभय नित्य, इसीलिए लौकिक जो अर्थ है ये जो लोग समाज में जो अर्थ चलते आ रहा है उसको गोहन करके हो जाएगा ऐसा नहीं, इसलिए बड़ा सूक्ष्म महाभागवत वैष्णव लोगों का पास ये इसका सूक्ष्म विचार मिलना चाहिए, बाकी जगत का जो ज्ञानी है विद्वान है ये लोग भी निर्णय नहीं ले पाते, बाकी सूक्ष्म विचार जो है गुरु वैष्णव के पास ही मिलता है। तो कर्मनो भजन इधर लिखा, इसलिए कर्मनो ही ओपी बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। दूसरा श्लोक में ऐसा किया, कर्माणि अकर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्मज स बुद्धिमानो मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकित। कर्मणि अकर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्मज स बुद्धिमानो मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकित। जो व्यक्ति कर्मों करने में अकर्मों देखता है, कर्मों में अकर्मों या अकर्मों में कर्मों दर्शन करता है, वो मनुष्य गणों में बुद्धिमान बच्चा। जो व्यक्ति कर्मों में अकर्मों को देखता है या अकर्मों में कर्मों को दर्शन करता है वो मनुष्य गणों में सबसे बड़ा बुद्धिमान युक्त और संपूर्ण कर्म का अनुष्ठाता। कर्मणि अकर्म कर्मणि अकर्म य पश्येत अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण अकर्मकृत। ऐसा करके भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए, कर्म में अकर्म दर्शन करना, अकर्म में कर्म दर्शन करना, ये तो बड़ा विराट बड़ा बात है। जो लोग ऐसे दर्शन करते हैं मनुष्य लोगों में वो बुद्धिमान है, युक्त है, संपूर्ण कर्मानुष्ठता, उसका कर्म सही ढंग से निष्पन्न होता है। तात्पर्य ये है ये निष्काम कर्मयोगी समस्त कर्मों भगवान में समर्पित कर देता है, अर्थात करने का बाद भी उसका कोई फल नहीं मांगते। निष्काम कर्मयोगी समस्त कर्मों आत्मो यथात्मो प्रापक
वे कर्म को अकर्माकारे दर्शन का करने 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 का बाद भी नहीं किया है कि अभिमान नहीं है इसका अंदर में, करने का बाद भी इसका अंदर में कोई अभिमान नहीं है, इससे ना करने का बराबर। ये कर्म के अकर्म कार्य दर्शन करने कर लेते हैं, कर्मों को अकर्म का रूप में, अकर्मों और कर्मों इनके सामने, अकर्मों और कर्मों इसका सामने एक ही आकार, उसका कोई पार्थक्य नहीं है, फल का आकांक्षा नहीं है। इसलिए तमाम ये कर्म करने का बाद भी उसका कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्मणिच कर्म दोनों इसके लिए बराबर है। इसलिए कर्म अकर्म संबंध में स्वरूप का बारे में बताया गया, बलदेव जी बताते हैं कर्मनीति अनुष्ठेनी, कर्मनीति जो है इसका बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान इस श्लोकों में भगवान कर्मों और अकर्मों का स्वरूप परिज्ञान के विषय प्रतिपादन कर रहे हैं। निष्काम कर्मयोगी के लिए अनुष्ठीय कर्मों, जो कर्म अनुष्ठान करने जा रहे हैं, अनुष्ठित कर्मों को अकर्म बोला जाता है। कारण ये बंधन प्रापक कर्म नहीं है, इसका लिए ये इसको बंधन में नहीं डालने वाले, बंधन प्रापक कर्म नहीं है, फल आकांक्षा नहीं है, परंतु फल स्वरूपे ये आत्मज्ञान को ही सूचक है। फल क्या, ये तो फल, कर्मों का तो फल मांगता नहीं, परंतु फल स्वरूप के आत्मज्ञानी सूचक, आत्मज्ञानी सूचित तो है। और आत्मज्ञान अभ्यासी व्यक्ति बाहरी दृष्टि में कोई कर्म ना करने से भी उसका वही कर्म अकर्मे कर्म ही करा है, और कारण वह आत्मज्ञानानुकूल निष्काम कर्मानुष्ठान। इसीलिए बोला गया जे जो कर्मों में अकर्मों, अकर्म में कर्मों दर्शन करते तीन मनुष्य देखे, मनुष्यों में सबसे बड़ा बुद्धिमान विचारवान है। ज्ञान सर्वदा कर्म का ही अनुगत हो, जो भी कौन कर्म करता है वो फल रूप में ज्ञान, ज्ञान रूप में रह जाता है। ज्ञान कर्म का ही अनुगत हो, कारण कर्म द्वारा ही ज्ञान का संचारण होता है। ज्ञान व कर्म ये दोनों का ही उद्देश्य जो है आत्म तत्व का उपलब्धि, सिर्फ सही ढंग से नहीं करने के कारण उल्टा पलटा हो जाता। ज्ञान व कर्म दोनों ही, ये दोनों का उद्देश्य है आत्म तत्व का उपलब्धि करा देना, अलग नहीं। सिर्फ करने का सही ढंग से नहीं करने के कारण ये जो कॉम्प्लिकेसी है, जटिलता आ जाता है इसमें, सही ढंग से हो नहीं पाते, बंधन के कारण होता है। इसीलिए जिसका पास ये ज्ञान है, कर्म में अकर्म जो दर्शन करता, अकर्म में कर्म दर्शन करता, ऐसा जो व्यक्ति है, ज्ञान और कर्म उभय उद्देश्य जिसका लिए आत्म तत्व ज्ञान दायक, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों को ज्ञानाकार और ज्ञान को कर्माकार रूप से दर्शन करता है। इस विषय में पंचम अध्याय में और खुला विचार हो सकता है। सिद्ध साईं पाद जी बताया भगवान का आराधना रूप जो कर्मों, सिला सीधा साईं पाद जी बताया जे भगवान का जो आराधना रूप जो कर्म विषय, भगवान का आराधना रूप जो कर्म विषय में जो व्यक्ति अकर्म दर्शन करते हैं, अर्थात वहां ज्ञान प्रापक ज्ञान का हेतु होने के कारण बंधन का कारण नहीं बनते। ये जानकारी प्राप्त करके भगवद आराधना रूप कर्मों को
कर्म नहीं, ये कर्म नहीं है बोल के उपलब्धि करते हैं। एवं विहित कर्मो अनुष्ठान रूप अकर्म, विहित कर्मों का अनुष्ठान रूप अकर्म अकर्मे जिन कर्मों को दर्शन करते हैं प्रत्याप्याय अर्थात इसके लिए फल भोग बंधन का हेतु बोल के ये फांसते नहीं। ऐसा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताए शुद्धांतकरण व्यक्ति ज्ञानवान होने से भी, शुद्धांतकरण व्यक्ति ज्ञानवान होने से भी जनकादि ये जो राजर्षि ने बाहर में सन्यास ना करते हुए भी, सन्यास नहीं करते हुए भी, ना करते हुए भी निष्काम कर्मों जो का निष्काम कर्म जो के द्वारा कर्मों का अनुष्ठान, ये अनुष्ठान में अकर्मो यह कर्म है ना, अतः मेरा फल का कोई आशंका नहीं है, मेरे लिए बंधन कारक नहीं है, ये देख पाते हैं, ये लोग देखते हैं ऐसे, इसी कारण ये लोगों का कर्म का बंधन नहीं होता। और ज्ञानाभाव सत्यो, जो लोगों का ज्ञानाभाव सत्यो अशुद्ध अंतकरण, शास्त्रों हम लोग शास्त्रों जानते हैं ऐसा बोल के आत्मश्लाघी अभिमानी व्यक्ति बाचाल सन्यासी अकर्म व कर्मे अकरणे कर्म नहीं करने से हैं, ये इसका जो बाचाल सन्यास अकर्म व कर्मों का अकरण नहीं करने से जिन्हें कर्मो दर्शन करता है, हम कर्म करने वाला ये दुर्गति को प्राप्त करते हैं कर्म बंधन का उपलब्धि कर। सो ये बात जो जिसका जिसका पास ये ज्ञान मौजूद है, जो जानते हैं इस बंधन का कारण ये हो सकता है ऐसा है, ये सबसे बड़ा बुद्धिमान है, लोगों में ये बुद्धिमान है, सबसे बड़ा ये बुद्धिमान है जो इस टेक्निक को जानते हैं। दूसरा श्लोक में ऐसा बताया जस्सो सर्वे समारंभ काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धो कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जस्सो सर्वे समारंभ, समारंभ माने सकल कर्म, यस्सो जिसके सारे कर्म काम संकल्पो वर्जिता, इसका काम संकल्प काम काम का कामना का कोई संकल्प नहीं है, काम वो संकल्पो विवर्जितो जिसके जिसका, जस्सो सर्वे समारंभ कामो संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धो कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जिसके सर्व कर्मों सकली कर्मों काम और संकल्प शून्य, कोई काम भी नहीं संकल्प भी नहीं है, और ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्मीकृत कर्म, ज्ञानाग्नि के द्वारा ये जो है सब जला दिया, ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्मीकृत कर्मा, ज्ञानाग्नि के द्वारा सारे भस्मीकृत कर्मा कर्म को जला दिया, ज्ञान के द्वारा। जस्सो सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धो कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वही पंडित भक्तियों कहते हैं जिसका काम संकल्प संकल्प शून्य, समस्त कर्म जिसका काम संकल्प शून्य समस्त कर्म सम्यक आरब्ध है, तिनी ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध कर्म पंडित बोल के परिचित होते हैं, वो पंडित है। और इसी समय उसका कर्मो ज्ञानाकारता लाभ करे, ज्ञान आकारता कर्मो ज्ञान में बदल जाते हैं पूरा।
कर्मों का जो ज्ञान कारत्व अर्थात सर्व कर्म जो है अंतिम में ज्ञान में बदल जाए। कर्मों का जो ज्ञान कारत्व प्रतिपादन मुख में क्रमशः बोलते बोलते जो जिसका कर्म समूह आत्मोद्देश्य अनुष्ठित है, बाहरी दृष्टि में जो कोई कोई कामना वासना कुछ नहीं है, ऐसा बुद्ध माने पंडित व्यक्ति आत्मज्ञ व्यक्ति ऐसा आत्मज्ञ व्यक्ति पंडित व्यक्ति होते हैं। इसी रूप काम संकल्प वर्जितो अनुष्ठान के द्वारा आविर्भूत जो ज्ञान पक्का ज्ञान है, इसमें सारे कर्मफल जो कर्म राशि दग्धीभूत हो जाता है, इसमें इसका कोई दोष नहीं लगता। जस्सो सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहू पंडितम बोधा, इसको ही पंडित बोला जाता है जो ज्ञानाग्नि के द्वारा सब भस्मीभूत कर देते हैं, संकल्प आदि कुछ नहीं है। त्यक्ता कर्म फला संयम नित्य तिप्तो निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो व्यक्ति कर्म फला संज्ञो कर्म का फल का आसक्ति त्यक्त्वा परित्यक्त करके नित्य तृप्त सदा निजानंदे आत्मतृप्त निजानंदे परितृप्त हो जाते हैं, निराश्रय अतस्यो योगक्षेम का आश्रय सुन, वो चिंता ही करते नहीं अपना योग और खेम के लिए। योग मतलब जो है उसका संरक्षण के लिए, खेम मतलब जो नहीं है उसको प्राप्ति के लिए, उसका भी निराश्रय शियो जोगोक्षेम का आश्रय सुन। ऐसा जो व्यक्ति है सो ये व्यक्ति कर्मणि अर्थात कर्मों करने का बात कर्मणि कर्म समूह अभिप्रवृत्तोपि सम्यक प्रवृत्तो अर्थात कर्ण बाहरी दृष्टि में कर्म करने में लग गया बहुत सुंदर ढंग से। कर्मणि कर्म समूह में अभिप्रवृत्तोपि सम्यक रूपे प्रवृत्त होने से भी किंचित एव न करोती, ये करने से भी इसका 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 डुअरशिप कर्तापन नहीं है, इसलिए करने से भी कुछ करता ही नहीं, करने का बावजूद वो कुछ करता ही नहीं, ये सोचता है कि हम कुछ किया ही नहीं। त्यक्त्वा कर्म फला संयम नित्य तिप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोती स, ये कुछ भी करता नहीं, सारे कर्म करने का ढंग से करने के बाद भी ये अर्थात कर्मफले अब कर्मफल में आबद्ध होते नहीं, कर्मफल में किसी भी हालत से वो आबद्ध होते नहीं, कर्मफल इसका कुछ नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि फलाकांक्षा नहीं है, नित्य तिप्त निजानंद में परिपूर्ण है, निराश्रय योगक्षेम का बारे में कोई चिंता ही नहीं, जो चीज है उसका संरक्षण, जो नहीं है उसका प्राप्ति के लिए बेचैनी कुछ नहीं है। इसीलिए जो कर्म फलाशक्ति त्याग करके निजानंद में परितृप्त नित्य परितृप्त और योगक्षेम का बारे में भी कोई चिंता नहीं है, योगक्षेम का आश्रय चेष्टा रहित वो व्यक्ति बाहरी दृष्टि में तमाम कर्मों में प्रवृत्त होने से भी उसका अंदर में अभिमान है नहीं कि मैंने किया है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं किया, करने का बावजूद कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते अर्थात कर्मफल में आबद्ध नहीं हो पाते, ये माने हैं। ऐसा करके विचार करते करते भगवान इसको दिखा रहे हैं ऐसे जे कैसे निष्काम कर्मों का बारे में पहले बताया, ये सब और भी दूसरा चर्चा हो रहा है इस विषय में। निराशिर जतो चित्वात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्बन नापनोति किल विषम,
ये जो कर्म का कौशल है निराशिर, जिसका पास कामना शून्य है, जो यतश्चित्त्वात्मा संयत चित्त और देहो परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, सर्व परिग्रह शून्य, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, किसके ऊपर भरोसा रखने वाले नहीं है, त्यक्त सर्व परिग्रह, सर्व परिग्रह शून्य, आशा नहीं रखते हैं, शरीरम केवलम कर्म, शरीर यात्रा निर्वाह, ये भी तो कर्म है, शरीर यात्रा को निर्वाह करने के लिए कर्म करते रहते हैं, कर्म कुर्बन, कुर्बन माने करके भी, किलविषम माने पाप, ना अपने पाप आश्रय नहीं करता, कर्मो बंधन का हेतु नहीं है, पहले ही बताया दूसरा स्कंद में, दूसरा चैप्टर में, अध्याय में, कर्मो बंधन का कारण नहीं, बंधन का कारण है आकांक्षा, आसक्ति। सो जो व्यक्ति कामना शून्य होकर संयत चित्र और संयतेन्द्रिय, संयत इंद्रियो भी होकर सर्व प्रकार से परिग्रह सुनो, किसी को आशा राय रखते माला, ये मेरे को ये कर देगा, ये मेरे को ये कर देगा, ऐसा सर्व प्रकार परिग्रह सुनो होकर, और केवल शरीर यात्रा निर्वाह है कि केवल शरीर यात्रा का निर्वाह के लिए जो सब कर्म करते रहते हैं, इसमें इसका पाप भी नहीं होता, बंधन भी नहीं, कुछ नहीं, ये हर वक्त मुक्त रहते हैं। पोपा जी व्याख्या करते थे जो श्लोक दे के शुरू किया था, अमेद्वपुर ने कृमिकीट संकुले स्वभाव दीर्गंधि विनिंदितांतरे कले वरे मूत्रे पुरुष भाविते रमंति मूढ़ा विरमंति पंडिता। वास्तव पंडित व्यक्ति ये जो रक्त मांस और मल मूत्रों का जो भांड है, पात्र है, बस बोरा है, इसका बारे में ध्यान नहीं देते ज्यादा। प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा समाम दुनिया का आदमी एक छिलका का सेवा लेके व्यस्त है, शरीर का सेवा, छिलका का सेवा लेके व्यस्त है, कोई आत्म तत्व के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं और इच्छा भी नहीं जानकारी प्राप्त करे, ऐसा कोई वांछा कल्पतरुस्य के पास सिंधु व्यवचपतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमः।